रस्सी जल गए ओठल ना छूटल वे टीआरपी के खेल खेल रहा है लोग मनीष कौशिक का विरोध करे अपना नाम चमका रहे बस इतना कुछ नहीं हो रहा है सब कोई जानता है कि विरोध करेंगे दू गो भी आएगा चार गो भी आएगा बात खत्म खेल खत्म हो जाएगा इसमें कुछ कुछ किसी प्रकार की एक्शन नहीं ले खुद कर रहा है कि मेरा नाम लेके कुछ मेरा मतलब उसका घर रोटी रोजी चल रहा है उनका नाम भी लिखवाए हैं अपने दिल पे इनको कहना था कि हम बहुत उनको दिल से मानते हैं दिल से प्यार करते हैं उनका जो मनीष कौशिक का जो फोटो है अपने घर में रखे हैं भले ही जात जो मुसलमान का है इनका जो जाति है मुसलमान है लेकिन उनका जो फोटो है अब जो उनका तस्वीर है वो अपने घर पे रखते हैं उनको पूजा करते हैं लेकिन इनका लालसा यही है कि मनीष कौशिक से हमें एक बार मिलना है अपने दिलों के बात कहना है उनसे बस एक बार दर्शन करना है जिस प्रकार से किसी देवी मंदिर में दुर्गा मंदिर में कोई जाता है दर्शन करता है उस प्रकार से इनका भी कहना है कि हमें एक बार मनीष कौशिक से मुझे दर्शन करा दीजिए एक बार हमें मनीष कौशिक हम मुझसे जलते हैं और हम कहते हैं कि जलने वालों को जलने दो मनीष भैया के आगे बढ़ने दो भी मिलना चाहता हूँ आप लोग मिला दीजिएगा चाहिएगा तो अच्छा बिल्कुल आपसे मनीष भैया मिल लेंगे लेकिन आपने यहाँ जो अपने नाम लिखवाए हैं क्यों लिखवाए हैं मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ इसीलिए लिखवाए हूँ हम लोग काम से गली गली में जाके गांव गांव में जाकर न्यूज सच्चाई दिखाते हैं सच्चाई के राह पर चलते हैं कहीं ना कहीं हकीकत दिखाते हैं जो भी दिखाते हैं बहुत बढ़िया पत्रकार है एक अच्छा पत्रकार है धूप हो लेकिन देखिए जो फारूक जी है फारूक जी बता रहे हैं कि मनीष कैसे करके मनीष भैया तक पहुंचा दीजिए क्योंकि इनका लालसा है इनको उम्मीद है कि भैया एक बार हमें मिल लीजिए हमसे दर्शन कर दीजिए जितना भी दर्शक जितने भी पब्लिक मनीष कश्यप का जो फैन देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि मनीष भैया इनसे मिल ले इनका क्या ख्वाहिश है क्या अपना राय है उनसे और क्या इनका कहना है और आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ फाइट हमारे साथ में एक व्यक्ति है जो हमें बेतिया में मिल गए हैं और मनीष भैया का बहुत बड़ा जबरा फैन है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा जबरा फैन मिल चुके हैं सबसे पहले अपना नाम बताइए आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम फारूक हुसैन है अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप छपरा जिला मढ़ौरा अच्छा मढ़ौरा छपरा जिला के रहने वाले हैं आप बेतिया में क्या करते हैं मैं बेतिया में छोटा मोटा प्राइवेट जॉब करता हूँ कपड़े दुकान में अच्छा मनीष कश्यप का नाम आपने क्यों लिखवाया है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनीष कश्यप भैया मतलब ये लिखवाने का रीजन क्या है क्यों लिखवाया उनका नाम जी मैं मनीष कश्यप भैया से बहुत बड़ा प्यार करता हूँ बहुत बड़ा फैन मानता हूँ उनको भगवान तरफ पूछता हूँ और उनको उनसे बहुत बड़ा प्यार करता हूँ मैं कह रहे हैं इनका नाम फारूक है जो कि कितना लोग मतलब जो जाति से आते हैं कितने लोग उनको विरोध भी करते हैं लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी मतभेद नहीं है लेकिन मनीष कश्यप के सबसे मतलब बहुत बड़ा फैन है और इन्होंने बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप से हम दिल से प्यार करते हैं हम अपने दिल में छुपा कर रखते हैं हाँ जी मनीष कश्यप भैया बिहार का आन बान शान नंबर वन ब्रांड है अच्छा जी हाँ और बोल रहे थे कि हम अपने घर में उनका फोटो लगा कर रखते हैं जी मैं उनके घर में फोटो लगा रखे हैं और यहाँ पे टैटू बनवाने वाले हैं अच्छा बनाएंगे टैटू अच्छा टैटू बनवाने वाले हैं कब टैटू बनवाने वाले हैं बनाएंगे अभी थोड़ा समय लगेगा अच्छा इस भैया के आने से बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है शिक्षा व्यवस्था रोड गली नाला सब में सुधार हुआ है कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया पत्रकार है अच्छा पत्रकार है सच्चाई के राह पर चलते हैं और आपके बोलते हैं सच्चाई के राह पर चलने के लिए उनके बारे में जो भी व्यक्ति अश्लील गाना गाते हैं अश्लील बातें बोलते हैं अश्लील हरकतें करते हैं कृपया आप लोग ना बोले आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है उनके बारे में अश्लील बातें ना बोल जाए जो ही बोले अच्छा बात बोले अच्छाई के राह पर चले हम एक बिहारी हैं हम सब बिहारी मिलजुल कर चलना है मिल बिहार चलाना है मनीष कश्यप भैया बिहार के लाल है बहुत बढ़िया पत्रकार है देखिए इनको भी कहना है कि मनीष कश्यप जो है बिहार के लाल है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो हम लोग यहाँ पे चौक पे हैं यहीं पे हमको मिल गए थे और उन्होंने लिखवा लिए हैं मनीष कश्यप का उनका नाम भी लिखवाए हैं अपने दिल पे और इनको कहना था कि हम बहुत उनको दिल से मानते हैं दिल से प्यार करते हैं उनका जो मनीष कश्यप का जो फोटो है अपने घर में रखे हैं भले ही जात जो मुसलमान का है इनका जो जाति है मुसलमान है लेकिन उनका जो फोटो है अब जो उनका तस्वीर है वो अपने घर पर रखते हैं उनको पूजा करते हैं लेकिन इनका लालसा यही है कि मनीष कश्यप से हमें एक बार मिलना है अपने दिलों के बात कहना है उनसे बस एक बार दर्शन करना है जिस प्रकार से किसी देवी मंदिर में दुर्गा मंदिर में कोई जाता है दर्शन करता है उस प्रकार से इनका भी कहना है कि हमें एक बार मनीष कश्यप से मुझे दर्शन करा दीजिए एक बार हमें मनीष कश्यप हम मुझसे मिल लीजिए यही ना जी जी एहो मनीष पत्रकार तोहराइला सुधरल बिहार पूछिए बात बताइए कि ना मनीष भैया से आप मिलाइएगा कि नहीं हाँ हाँ बिल्कुल मिलाएंगे आपके जो आवाज़ है मनीष कश्यप तक पहुँच जाएगा और इन्होंने एक बात और बात है हाँ बोलिए कुछ लोग मनीष भैया से जलते हैं और हम कहते हैं कि जलने वालों को जलने दो मनीष भैया के आगे बढ़ने दो अच्छा जी हाँ एक वीडियो हम आपको देखे थे जो कि आपने यहाँ पे किसी ठेला वाले को जो आपने कुछ कंबल वम्बल दिए थे जैकेट दिए थे जी वही सुबह बाबू चौक है जहाँ पे 10 बजे रात को मैंने यहाँ पे थोड़ा टहल रहा था तो एक रिक्शा वाले भैया को देखा पूछा कि भैया इतना ठंड में रिक्शा चला रहे हैं ना आपके पास ना स्वेटर है ना जैकेट है ना जो मोजा ना जूता है आप इतना ठंड में रिक्शा चला रहे हैं कहीं ना कहीं ठंड लग जाए तो आप इसका जिम्मेदार कौन होगा तो बोले कि देखो बाबू बाल बच्चे के लिए अपने परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा रिक्शा चलाना ही पड़ेगा कहें कि भैया मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ
तो उनके लिए मैं एक स्वेटर, एक गमछा, एक टोपी, मोजा, दस्ताना, कम्बल उनको दिया। बहुत हमको आशीर्वाद दिए दिल से। देखिए हम बिहारी हैं, हम सब बिहारी मिल के शायद थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो बहुत बड़ा बिहार में बदलाव हो जाएगा। हम तो अकेले कर नहीं पाएंगे भैया बिहारी। लेकिन सब कहना है कि हम लोग एक बिहारी हैं, हम लोग एक संगठन से हम लोग काम करने वाले हैं। हाँ देखिए जो आदमी जात पात में रहता है अब नहीं रहे। अच्छा आपने बेतिया में अभी है और बेतिया में क्या करते हैं? बेतिया में छोटा मोटा जॉब करता हूँ, कपड़े दुकान। देखिए ये बेतिया में रहते हैं और बेतिया में छोटा मोटा काम करते हैं, वहाँ से जो अर्निंग आता है इन्होंने, इनके मतलब दिल में ख्वाहिश है कि किसी गरीब व्यक्तियों का हम मदद करें और इन्होंने मदद भी करते हैं। हाँ। जी करता हूँ, जितना मैं हूँ भैया उतना मैं करता हूँ। अच्छा आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं आपने? जी नॉन मैट्रिक किए हैं। अच्छा देखिए इन्होंने नॉन मैट्रिक भी किए, गरीब लोगों को इन्होंने हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हाँ देखिए मदद करना इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हाँ। आपके सबसे बड़ा मदद करने के लिए कोई है आदमी मदद कर सकता है, मदद करने के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा कैमरे घुमा दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग चौक पे थे और इन्होंने मिल गए थे और इन्होंने मनीष कश्यप से बहुत प्यार करते हैं कि मनीष भैया हमसे एक बार मिल लीजिए। बस आप लोग से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को शेयर करके मनीष भैया तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि इनका लालसा है, इनकी उम्मीद है कि भैया एक बार हमें मिल लीजिए, हमें से दर्शन कर दीजिए। जितना भी दर्शक, जितने भी पब्लिक मनीष कश्यप का जो फैन देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुँचा दीजिएगा ताकि मनीष भैया इनसे मिल ले। इनका क्या ख्वाहिश है, क्या अपना राय है उनसे और क्या इनका कहना है अपने मिल। हाँ देखिए कहीं ना कहीं पत्रकार, देखिए पत्रकार कोई गलत नहीं होता है, सब पत्रकार अच्छा होता है। ऐसे हर पत्रकार गांव में जाकर, शहर शहर में धूप हो या छाँव, पत्रकार लोग घूमते हैं गांव गांव, बहुत बढ़िया पत्रकारिता आप लोग सब लोग करते हैं। पत्रकार देखिए कोई गलत नहीं होता है, जो भी दिखाते हैं अच्छा ही दिखाते हैं, सच्चाई के राह पर चलते हैं। मैं सब पत्रकार के अच्छा मानता हूँ जी। अच्छा यहाँ पे एक बात है कि कोई कोई मनीष, कितने भी पत्रकार, कोई भी मतलब पब्लिक जो होते हैं, मनीष कश्यप को मतलब गलत बोलते हैं, गाली भी देते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? उनका बहुत बड़ा फैन है आप। देखिए जो बोलता है उसको बोलने दीजिए। हाँ। जिसका जिसके पास जितना दिमाग है उतना ही बोलेगा। तो फिर एक बार निवेदन है, विनती है कि इस वीडियो को शेयर करके मनीष कश्यप तक पहुंचा दीजिएगा ताकि मनीष कश्यप जो है इनसे मिल ले, जो देवताओं की तरह इन्होंने पूजा करते हैं, भले ही अपने जाति मुसलमान का है लेकिन मनीष कश्यप का फैन और उनका जो तस्वीर जो उनके लगवाने वाले हैं और उनका जो नाम है अपने सीने पर लिखवाए। देखिए हम मुसलमान बाद में है, पहले हम बिहारी हैं। हाँ बिल्कुल, वाह ताली बजाना चाहिए, बजाइए ताली, क्योंकि अब बिहारी है और बिहारी कहते हैं कि हम लोग एक संगठन, एकजुट हम लोग बिहारी हैं। हम सब बिहारी अगर एकजुट होंगे जाएंगे ना बिहार में बहुत सारा बदलाव होगा। बिहार का सबसे ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, और फिर भी बिहार पीछे है, तो काहे पीछे हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी है, तो आप इसको जातिवाद करते हैं। आप लोग एकता कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, हम सब मिलकर बिहारी बदल सकते हैं, जात के पीछे मत भागिए। हाँ अंकल जी क्या बोल रहे हैं आप? नेता लोग करते हैं। अच्छा जातिवाद नेता लोग करते हैं। हाँ नेता लोग करते हैं। अच्छा इन्होंने मनीष कश्यप का अपने सीने पर नाम लिखवाया है, इसके बारे में क्या कहिएगा? अच्छा है, अच्छा लड़का है, अच्छा कहेंगे और बहुत बच्चों को भविष्य आगे बनेगा। मतलब जाति जो है ये है कि ये मुसलमान भी है, ठीक है, और उनके इतने बड़ा फैन है, उन्होंने कह रहे हैं कि हम जातिवादी नहीं करते, हम जब जाति धर्म नहीं देखते हैं, गर्व से हम बिहारी है और एक साथ हमको आवाज उठाना है। बस इनकी सोच इतनी बड़ी है, इनको तो सलाम करना चाहिए, कोई भी करना चाहिए, जातिवादी कोई नहीं करेगा ना, तो हमें बिहार के दशा दिशा दोनों बदल जाए। क्या चाचा? दोनों बदले, दशा और दिशा दोनों बदले, अपना भविष्य आगे बढ़ जाए। सब जो बिहारी लोग रहते हैं जाकर बाहर में काम करते हैं, बाहर सब अच्छा तरह से नहीं देखता है, गुलाम उन लोग हैं। अगर यही सोच अगर हमारे बिहार में रहेंगे ना तो कोई बिहार से व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा लेबर का काम करने या कुछ भी करने। अगर वही देखिए जब इलेक्शन पड़ता है तो सब मजदूर यहाँ आ जाते हैं वोट देने के लिए, तो फिर वही क्या नहीं वहाँ रह के वोट देते हैं, वहाँ रहिए, वहाँ पे वोट दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे मजदूरी करते हैं। उनका लड़का यहाँ पे रहेगा, वो रहेंगे वहाँ पे, वोट देने यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं गलत होता है बिहार के लोगों के। कितना लोग विरोध करता है, बुरा मानता है कि नहीं मनीष कश्यप जो अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं, इसको क्या कहिएगा? देखिए जितना लोग बोलते हैं ना अपनी पढ़ाई के अनुसार बोलते हैं, अगर जो जो मैंने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ बोल सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं बताएंगे। मनीष जी अच्छा भैया हैं, अच्छा काम करते हैं, हैं बिहारी लेकिन बहुत अच्छा बात करते हैं, काम भी करते हैं। पर भी है, आप क्या हाँ। कि मनीष कश्यप का जो विरोध करते हैं कि रस्सी जल गए ओठल ना छूटल, वे टीआरपी के खेल खेल रहा है लोग, मनीष कश्यप का विरोध करे वो अपना नाम चमका रहे लो, बस इतना कुछ नहीं हो रहा है। सब कोई जानता है कि विरोध करेंगे, दू गो व्यू आएगा, चार गो व्यू आएगा, बात खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। मनीष भैया इस पे कुछ किसी प्रकार की एक्शन नहीं ले, खुद कर रहा है कि मेरा नाम लेके कुछ मेरा मतलब उसका घर रोटी रोजी चल रहा है, तो अच्छा ही है, बुरा करिए तो नाम होता ही, अच्छा कीजिए तो नाम होता ही है।
बतिया वही है। लेकिन यहाँ पर है कि विरोध करते हैं लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम सही है ना भाई। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी गलत कहे, गाली दे, फजर दे, कुछ भी कहे, उसे कोई टेंशन नहीं है भाई। हम सही हैं और सही रहते हैं, और विरोध करने से वो आदमी आगे चढ़ता है, आगे बढ़ता है, लेकिन गिरता नीचे नहीं है।